वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट और मैनेजमेंट, तीन पार्ट हैं इसके। बायोमेडिकल से क्या हुआ, मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, या बायोलॉजी से रिलेटेड। वेस्ट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट जो हम यूज करके फेंक देते हैं, और मैनेजमेंट उसका मैनेजमेंट क्या करना है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि हम किसी के मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मरीज का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट एक पार्ट हो गया और मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म हो गया जिसमें कि ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। उस मैनेजमेंट में क्या हो गया, हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एक फैसिलिटी होगी जहाँ की हमें वेस्ट ले जाना होगा और वहां पे उसको खत्म करना होगा। वो सब चीजें आज हम पढ़ेंगे इसमें। डॉक्टर के पार्क है, इनकी एक बुक है कम्युनिटी मेडिसिन की, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। वो क्या कहते हैं, लेट द वेस्ट ऑफ द सिक नॉट कंटामिनेट द लाइफ ऑफ द हेल्दी। सिक का वेस्ट हेल्दी की लाइफ को कंटामिनेट ना करे, मतलब उसको संक्रमण ना करे। डिफिनीशन क्या है, दो तीन तरीके के इसमें मैं बता दूंगा। जो डिफिनीशन है ये 2016 के जो बायोमेडिकल वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाया उसके हिसाब से, उससे पहले भी 1996 में ये कॉन्सेप्ट आया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करें, क्योंकि जो भी वेस्ट था वो इन्फेक्ट कर रहा था अदर पर्सन को। आपने देखा होगा रोड पे कूड़ा बीनने जाते थे, सिरिंज पड़ी रहती थी, बाकी कुछ पड़ी रहती थी। HIV फैलने का मेन कारण भी एक सेंस था कि इन्फेक्टेड सिरिंज पड़ी भी है, उस बंदे ने उठाया उसको भी हो गया, ना तो वो इलाज करा रहा है ना कहीं पे वो जाके देख पा रहा है कि उसको पता लग रहा है कि हमें ये बीमारी हो गई। तो 2016 के अनुसार क्या है बायोमेडिकल वेस्ट, क्या है मींस एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आर इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स आर रिसर्च एक्टिविटीज। देखिए तीन चीजें हैं, केवल आप यही नहीं कह सकते हैं कि हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट है। ह्यूमन बींग्स पे यूज किया गया, कोई भी प्रोसीजर किया गया, एनिमल पे किया गया या रिसर्च एक्टिविटीज में किया गया, उसमें जो वेस्ट निकलेगा वो बायोमेडिकल वेस्ट होगा। इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स आर रिसर्च एक्टिविटीज पर्टेनिंग देयर टू आर इन द प्रोडक्शन आर टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल आर इन हेल्थ केयर हेल्थ कैंप्स इंक्लूडिंग द कैटेगरीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 अपेंडेड टू दीज रूल्स। ठीक, फिर से पढ़ दे रहा हूं। मींस एनी वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आर इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स आर रिसर्च एक्टिविटीज पर्टेनिंग देयर टू आर इन द प्रोडक्शन आर टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल आर इन हेल्थ कैंप्स इंक्लूडिंग द कैटेगरीज mentioned in schedule 1 appended to these rules। अब इसमें देखिए कितनी चीजें आ गई, ह्यूमन आ गया, एनिमल आ गया, रिसर्च एक्टिविटी आ गया, इसके अलावा अभी तक हेल्थ कैंप नहीं जुड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट में। हेल्थ कैंप हम लोग करते थे गांव में जाके, किया किसी दूसरी जगह किया, तो वहां जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो नहीं गिना जाता था, वो गिनने लगे। अब शेड्यूल 1 क्या है, पहले आ जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट में इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव दो कैटेगरी हो गई। इन्फेक्टिव में सॉलिड और लिक्विड, और ऐसे ही नॉन इन्फेक्टिव में सॉलिड और लिक्विड, दो तरीके के वेस्ट हो गए। हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर रहे हैं, इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव दोनों तरीके का हो सकता है, और दोनों कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड होगा। हेल्थ केयर वेस्ट करेक्टराइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेक्टराइज करता है हेल्थ केयर वेस्ट को, तो हेल्थ केयर वेस्ट 80% नॉन इन्फेक्शियस होता है, 10% इन्फेक्शियस होता है, और 5% हजार्डस होता है। ठीक है, 85% नॉन इन्फेक्शियस, 10% इन्फेक्शियस, 5% हजार्डस। अब ये देखिए जो बात कर रहे थे डिफिनीशन में शेड्यूल 1 की, ठीक है, शेड्यूल 1 के हिसाब से क्या चीजें आ रही हैं। कलर कोडिंग आपने लैब में देखा होगा, अपनी लैब में भी लगवा रखा हम लोगों ने कलर कोडिंग, कि पर्टिकुलर कलर कोडिंग होती है उसको डिस्पोज उसी में करना है, जिससे कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो आके खुद हमको सेपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो वो मिक्स वेस्ट ले जाएंगे, क्योंकि हर एक तरीके का वेस्ट अलग अलग हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, किसी को इंसिनरेट करना पड़ेगा, किसी को दबाना पड़ेगा, किसी को जलाना पड़ेगा, तो उस तरीके से शेड्यूल 1
बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन कलेक्शन ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शंस। ठीक, तो कैटेगरी येलो, टाइप ऑफ वेस्ट, टाइप ऑफ बैग और कंटेनर टू बी यूज्ड, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस। तो येलो में क्या करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट क्या हो गया, ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, फीटस बिलो द वायबिलिटी पीरियड। ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स एंड फीटस बिलो द वायबिलिटी पीरियड एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, टाइप ऑफ कंटेनर कौन सा यूज करेंगे, येलो कलर्ड नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। येलो करके आपने देखा होगा बास्केट, अस्पताल में जाते हैं लाल नीली काली पीली इस तरीके की रहती हैं, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, येलो में। ठीक, येलो कलर्ड नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। अब कैसे करते हैं इसका ट्रीटमेंट, डिस्पोजल क्या होता है, इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस और डीप बरियल। क्या करेंगे, इंसिनरेट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, इंसिनरेटर में डाल के प्लाज्मा पायरोलिसिस कर देंगे या फिर उनको गड्ढा खोद के डाल देंगे। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ए में क्या आ गया, बी में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल एनिमल कॉर्केसेस, मतलब चूहे पे हमने एक्सपेरिमेंट किया फेंक दिया, तो फेंकना नहीं है हमको, क्या करना है, येलो कंटेनर में डालना है। बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज इंक्लूडिंग द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनिमल्स यूज इन एक्सपेरिमेंट्स आर टेस्टिंग इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स आर कॉलेजेज आर एनिमल हाउसेस। ठीक, एक्सपेरिमेंटल एनिमल कॉर्केसेस, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज इंक्लूडिंग द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनिमल्स यूज इन एक्सपेरिमेंट्स आर टेस्टिंग इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स आर कॉलेजेस आर एनिमल हाउसेस। ये सभी किसमें डालने हैं हमको, येलो में। अभी येलो में और भी है, केमिकल वेस्ट, केमिकल्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज आर डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स। ये सब कैटेगरी येलो चल रही है, केमिकल्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड आर डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स। येलो कलर्ड कंटेनर्स आर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। इनका डिस्पोजल कैसे करते हैं, डिस्पोज आप बाई इंसिनरेशन आर प्लाज्मा पायरोलिसिस आर इनकैप्सुलेशन इन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। आर इनकैप्सुलेशन इन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। फिर क्या है, केमिकल लिक्विड, केमिकल लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज आर डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स। सिल्वर एक्सरे फिल्म, डेवलपिंग लिक्विड, डिस्कार्डेड फार्मलीन, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूड्स, लिक्विड फ्रॉम लेबोरेटरीज एंड फ्लोर वॉशिंग्स, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटीज, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। लिक्विड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज आर डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स। सिल्वर एक्सरे फिल्म, डेवलपिंग लिक्विड, डिस्कार्डेड फार्मलीन, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, एस्पिरेटेड बॉडी फ्यूल्स, लिक्विड फ्रॉम लेबोरेटरीज एंड फ्लोर वॉशिंग्स, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। इनको कैसे कलेक्ट करते हैं, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम। ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑप्शन में क्या होगा, आफ्टर रिसोर्स रिकवरी द केमिकल लिक्विड वेस्ट शैल बी प्री ट्रीटेड बिफोर मिक्सिंग विथ अदर वेस्ट वाटर। आफ्टर रिसोर्स रिकवरी द केमिकल लिक्विड वेस्ट शैल बी प्री ट्रीटेड बिफोर मिक्सिंग विथ अदर वेस्ट वाटर। द कंबाइंड डिस्चार्ज शैल कंफर्म टू द डिस्चार्ज नॉर्म्स गिवन इन शेड्यूल 3। अभी येलो ही कैटेगरी चल रही है, केमिकल वेस्ट।
केमिकल वेस्ट हो गया, केमिकल लिक्विड हो गया, ये स्लाइड डबल हो गई। अब आते हैं रेड रेड कैटेगरी पे, कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल। रेड कैटेगरी में भी इसको रेड कलर के कंटेनर में यूज करते हैं, कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल। कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, इंट्राविनस ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग्स, सिरिंजेज। सिरिंजेज में कौन सी? विदाउट नीडल्स एंड फिक्स्ड नीडल सिरिंजेज एंड वैक्यूटेनर्स विद देयर नीडल्स कट एंड ग्लव्स। टाइप ऑफ बैग और कंटेनर, रेड कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स आर कंटेनर्स। रेड कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स आर कंटेनर्स। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस कैसे करते हैं इनको? ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग फॉलोड बाय श्रेडिंग और न्यूट्रलाइजेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड श्रेडिंग। ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग फॉलोड बाय श्रेडिंग और न्यूट्रलाइजेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड श्रेडिंग। Treated waste to be sent to registered or authorized recyclers or for energy recovery or plastics to diesel or fuel oil or for road making whichever is possible। इसमें जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम और भी यूज कर सकते हैं तमाम जगह, जिसमें कि रोड मेकिंग हो गया, डीजल बना सकते हैं, फ्यूल ऑयल बना सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट शुड नॉट बी सेंट टू लैंडफिल साइट्स। लैंडफिल साइट्स कहाँ होंगे? जहाँ पे हम बरियल करते थे चीजों का, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट हमको नहीं भेजना है। कंटामिनेटेड वेस्ट को हमको रिसाइक्लेबल को यूज करना है, रेड कलर के पॉलिथीन में, रेड कलर के कंटेनर में। अब आइए व्हाइट ट्रांसलूसेंट। व्हाइट है, ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसमें वेस्ट कौन सा आ गया? सॉफ्ट आ गया, वेस्ट सॉफ्ट क्या हो गया? इंक्लूडिंग मेटल्स, नीडल्स, सिरिंजेज with fixed needles, needles, syringes with fixed needles, needles from needle tip cutter or burner, scalpels, blades or any other contaminated sharp object that may cause puncture and cuts. This includes both used, discarded and contaminated metal saws. Scalpel हो गया, syringes हो गई, ठीक है, needle tip cutter, burner, blades, ये सब कैसे आ गए वेस्ट सॉफ्ट में, और डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड मेटल सॉफ्ट भी आ गए। टाइप ऑफ बैग और कंटेनर टू बी यूज्ड, पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स। ठीक है, पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स, ये हमको कंटेनर इसमें चाहिए। और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस में क्या हो गया? ऑटोक्लोविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन फॉलोड बाय श्रेडिंग or mutilation or encapsulation in metal container or cement concrete, combination of shredding cum autoclaving and sent for final disposal to iron foundries and sent for final disposal to iron foundries। iron foundries ke baad kya suvidha honi chahiye? having consent to operate from the state pollution control boards or pollution control committees or sanitary landfill are designated concrete waste sort pit। ठीक, designated concrete waste sort pit। इतनी चीजों में हम इसको कर सकते हैं। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये sharp item है, किसी को लग सकते हैं, handling में infection हो सकता है, सब metals के items हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको autoclaving, dry heat, sanitization followed by shredding, mutilation, encapsulation in metal container, concrete, cement, concrete, combination of shredding cum autoclaving and sent for final disposal to iron foundries। ये सब इसमें कर सकते हैं। अब आइए ब्लू कैटेगरी। अभी कितनी कैटेगरी हो गई बताइए, कौन कौन सी? हेलो, पीछे सुनाई पड़ रहा है? ब्लू कैटेगरी, टाइप ऑफ वेस्ट क्या हो गया इसमें? क्लासवेयर।
ग्लासवेयर और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स और ग्लासवेयर किसमें करते हैं हम, कैटेगरी ब्लू में। क्या हो गया ग्लासवेयर में, ग्लासवेयर में क्या क्या होता है बताइए। ब्रोकन और डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स एंड एम्प्यूल्स एक्सेप्ट दोज कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक, एक्सेप्ट दोज कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। क्या क्या हो गया, हमने इंजेक्शन लगाया, वायल छोड़ दिया, वो क्या हो गया, वो आ गया इसमें। ठीक है, हमने कुछ एम्प्यूल यूज किए, कुछ एम्प्यूल आते हैं जिनको तोड़ के लगाते हैं इंजेक्शन, वो सब आ गए। अब इसमें एक्सेप्ट क्या करना है, जिनमें की साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो हमें इससे अलग कर देने हैं। दूसरा मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, फिर इसमें क्या हो गया, कंटेनर कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर मार्किंग, कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ठीक, कार्डबोर्ड का बॉक्स हो गया, ब्लू कलर मार्किंग हो गई। अब इसको हम कैसे ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करेंगे, डिसइंफेक्शन बाई सोकिंग द वॉश ग्लास वेस्ट आफ्टर क्लीनिंग विद डिटर्जेंट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट। क्या कर दिया, पहले डिसइंफेक्शन बाई सोकिंग द वॉश ग्लास वेस्ट आफ्टर क्लीनिंग विद डिटर्जेंट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट, आर थ्रू ऑटोक्लेविंग, आर माइक्रोवेविंग, आर हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड फॉर रिसाइक्लिंग। आर थ्रू ऑटोक्लेविंग, आर माइक्रोवेविंग, आर हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड फॉर रिसाइक्लिंग। इतनी चीजों से हम इसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कर सकते हैं। ये जो चीजें बता रहे हैं सब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग है, आज की डेट में यही रूल चल रहा है। ठीक है, अभी आपको बहुत सी बुक्स में पुराने 1997 के हिसाब से कोडिंग मिल जाएगी उसके हिसाब से, लेकिन लेटेस्ट यही है, इसी को याद रखना है। डिस्पोजल बाई डीप बर्यल इज परमिटेड ओनली इन रूरल और रिमोट एरियाज वेयर देयर इज नो एक्सेस टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। क्या कह रहे हैं कि उन एरियाज में जहां पे हमको बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहीं केवल डीप बर्यल हम करेंगे। This will be carried out with prior approval from the prescribed authority and as per the standard specified in the Schedule 3. The deep burial facility shall be located as per the provisions and guidelines issued by Central Pollution Control Board from type to type. ऐसे नहीं हमें कहीं भी मौका लगा हम डाल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं करना। जब हमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और वहां पे कुछ नहीं है, वहीं पे करेंगे और उसमें भी कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी बाद में पता लगेंगे। ये तो हो गया कैटेगरीज, तो हमने चार कैटेगरी में बांट दिया, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू में। उसी तरीके से वेस्ट को हमने कलेक्ट करने के लिए बॉक्सेस भी चूज कर लिए। क्लासिफिकेशन आ जाइए, पढ़ ही चुके हैं आप, इंफेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, सॉप्स, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, प्रेशराइज कंटेनर्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट। ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरीज थी उनमें सब आप ये पढ़ चुके हैं कि इतने तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट है। इंफेक्शियस वेस्ट कितना परसेंटेज था, 5% टोटल हॉस्पिटल और उसमें। पैथोलॉजिकल वेस्ट, टॉक्स, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जीनोटॉक्सिक, केमिकल वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, प्रेशराइज कंटेनर्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब हम जो पीछे था, पीछे जो आपको फोटो दिख रहे थे उन सबका क्लासिफिकेशन। ठीक, ये वाला आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, कॉशन इंफेक्शियस वेस्ट नोटिफाई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी इन केस ऑफ डैमेज आर ले। बहुत जगह आपको चिपका देखा होगा, अस्पताल में जाएंगे चिपका देखा रहता है, बड़ा सा लगा रहता है। उसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं इंफेक्शियस वेस्ट है, इसमें अगर लीकेज है, डैमेज है, हेल्थ अथॉरिटी को तुरंत सूचना दीजिए, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए, हेल्दी लोगों के लिए ये इंफेक्शन का काम करेगा। तो इंफेक्शियस वेस्ट क्या हो गया, वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजेंस, वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजेंस। एग्जांपल क्या हो गया, लेबोरेटरी कल्चर्स, जब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में देखेंगे लेबोरेटरी कल्चर लगाते हैं वो भी, क्योंकि कल्चर में अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई तो बैक्टीरिया उसमें है, उसको अगर आपने ऐसे कहीं फेंक दिया तो हो सकता है वो कंटेमिनेट कर दे उस ह्यूमन बींग को या उस एनिमल को। तो लेबोरेटरी कल्चर्स, वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन वार्ड्स, टिश्यू स्वाब, स्वाब्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, नेजल स्वाब होता है और थ्रोट स्वाब होता है। ठीक है, नेजल स्वाब अभी किस बीमारी में लेते थे बताइए, वेस्ट
फ्रॉम आइसोलेशन वार्ड्स, टिश्यू स्वाब्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स एक्सक्रीटा। इतने सब इन्फेक्शियस वेस्ट है, ये पता होना चाहिए कौन कौन सी इन्फेक्शियस वेस्ट है, क्योंकि इनसे जरूर बचने की जरूरत है। इनका हैंडलिंग कैसे करेंगे, जब हम स्वाब लेते हैं तब भी ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एप्रन पहनते हैं, सब चीज एप्रन या ग्लव्स जो भी आप पहन रहे हैं सबका एक रीजन है, कोई अनसाइंटिफिक नहीं है कि आपको कह दिया गया कि आप एप्रन पहनो। एप्रन पहनो तो जो भी गंदगी या जो भी वेस्ट आएगा आपके एप्रन पे आया, आपके क्लॉथ या बॉडी पे डायरेक्टली नहीं गया, आप गए एप्रन धुल लिया तो आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप एप्रन नहीं पहनेंगे तो डायरेक्ट उस मटेरियल के आपके बॉडी पे आने की पूरी संभावना है और आपके क्लॉथ्स पे आने की संभावना है। तो लेबोरेटरी कल्चर्स वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन वार्ड्स, टिश्यू स्वाब्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट एक्सक्रीटा। पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या हो गए, ह्यूमन टिश्यूज और फ्लूइड्स, एग्जांपल बॉडी पार्ट्स, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, फिटसेस। ह्यूमन टिश्यूज और फ्लूइड्स, एग्जांपल बॉडी पार्ट्स, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, फीटस, ये सब हो गए पैथोलॉजिकल वेस्ट। स्वाब्स आ गए, देखिए सिरिंजेस, स्वाब वेस्ट, एग्जांपल नीडल्स, इन्फ्यूजन सेट्स। इन्फ्यूजन सेट्स देखा है, इन्फ्यूजन सेट्स, स्कैल्पल्स, नाइफ्स, ब्लेड्स, ब्रोकन ग्लास, स्वाब्स जिनमें स्वाब होगा, नीडल स्वाब होती है घुसने का चांस है, ग्लास टूटा हुआ पड़ा है वो आपके घुसने कटने का चांस है, तो ये सभी क्या हो गए साथ में आ गए। फिर फार्मास्यूटिकल वेस्ट में, फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड विद ड्रग्स, तो क्या होना चाहिए, वेस्ट कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल्स, एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स दैट आर एक्सपायर्ड और नो लॉन्गर नीडेड, आइटम्स कंटामिनेटेड बाई आर कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल्स, बॉटल्स, बॉक्सेस, ठीक। वेस्ट कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल्स, एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स दैट आर एक्सपायर्ड और नो लॉन्गर नीडेड, आइटम्स कंटामिनेटेड बाई आर कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल्स, बॉटल, बॉक्स। अब आप कोई ड्रग है, कोई इंजेक्शन है, उसकी एक्सपायरी 25 नवंबर है, वो तो बीत गई ना, तो आपके लिए क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया, ठीक, बेकार नहीं हुआ, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोजल और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल करना पड़ेगा उसका, ऐसे नहीं कि घर से उठा के फेंक दिया कूड़े में, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट है। अब आइए जीनोटॉक्सिक वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट क्या है, वेस्ट कंटेनिंग सब्सटेंसेस विद जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल क्या होगा, वेस्ट कंटेनिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या होती हैं बताइए, कैंसर थेरेपी में जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जीनोटॉक्सिक केमिकल्स, तो ये जीनोटॉक्सिक वेस्ट में आ गया, ठीक। फिर केमिकल वेस्ट में क्या हो गया, वेस्ट कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल लेबोरेटरी रिएजेंट्स, फिल्म डेवलपर, लेबोरेटरी में जब आप जानते हैं सब सब बॉटल पे लिखा रहता है H2SO4 या अभी जो इसकी एक्सपायरी इस ईयर में, इस ईयर में, तो जैसे एक्सपायरी हुई सब इसमें कन्वर्ट हो गया वेस्ट में। वेस्ट कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंसेस, एग्जांपल लेबोरेटरी रिएजेंट्स, फिल्म डेवलपर, डिसइंफेक्टेंट दैट आर एक्सपायर्ड आर नो लॉन्गर नीडेड सॉल्वेंट्स। फिर आइए वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, बैटरीज, ब्रोकन थर्मामीटर्स, ब्लड प्रेशर गॉज एटसेट्रा, बैटरीज, ब्रोकन थर्मामीटर्स, ब्लड प्रेशर गॉज एटसेट्रा, ठीक। क्लासिफिकेशन आप सॉरी प्रेशराइज कंटेनर में क्या हो गए, गैस सिलेंडर्स, गैस कॉटरजेंट्स, एरोसॉल, गैस, ये सब आ गए प्रेशराइज कंटेनर्स में। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होता है, वेस्ट कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल अनयूज लिक्विड फ्रॉम रेडियोथेरेपी और लेबोरेटरी रिसर्च, कंटामिनेटेड ग्लासवेयर पैकेजेज आर एब्जॉर्बेंट पेपर, यूरिन एंड स्क्रीटा फ्रॉम पेशेंट्स ट्रीटेड आर टेस्टेड विथ अनसील्ड रेडियो न्यूक्लाइड सील्ड सोर्सेस। वेस्ट कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल अनयूज लिक्विड फ्रॉम रेडियोथेरेपी आर लेबोरेटरी रिसर्च, कंटामिनेटेड ग्लासवेयर पैकेजेज आर एब्जॉर्बेंट पेपर, यूरिन एंड स्क्रीटा फ्रॉम पेशेंट्स ट्रीटेड आर टेस्टेड विथ अनसील्ड रेडियो न्यूक्लाइड सील्ड सोर्सेस। सोर्सेस बायोमेडिकल और हेल्थ केयर वेस्ट के क्या क्या हो गए, कहाँ कहाँ से आ सकता है बताइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, फिजिशियन ऑफिस, क्लिनिक्स, डेंटिस्ट, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रीटिंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, मॉर्चरीज, ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर्स, एनिमल हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस, लेबोरेटरीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीनेटिंग सेंटर्स, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्शन यूनिट्स, इतनी जगह से
हमको क्या मिलेगा, बायोमेडिकल वेस्ट मिल सकता है। हॉस्पिटल जितने हो गए, क्लिनिक्स हो गई, ब्लड बैंक सेंटर्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, एनिमल हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस हो गए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीनेटिंग सेंटर्स, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्शन यूनिट। नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नीड है? तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन पेशेंट फ्रॉम पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, कि मान लिया वो ऐसे अस्पताल में भर्ती है मरीज जहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल पुअर है, ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने का चांस अधिक है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो गया। ड्रग्स विच हैव बीन डिस्पोज आर बीइंग रीपैक्ड एंड सोल्ड ऑफ टू अनसस्पेक्टिंग बायर्स। मान लिया ड्रग एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी के ड्रग को क्या किया हमने, उसका लेवल हटा दिया, लेवल के बाद दूसरी एक्सपायरी डाल दी, डाल के बेच दी, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इसलिए उसको मैनेजमेंट करना जरूरी है। रिस्क ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन डायरेक्टली ड्यू टू वेस्ट और ड्यू टू डिफेक्टिव इंसिनरेशन इमिशंस एंड एस। वाटर सॉइल ये सब पॉल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। रिस्क ऑफ इंफेक्शन आउटसाइड हॉस्पिटल फॉर वेस्ट हैंडलर्स स्कैवेंजर्स एंड अदर पीपल्स। ठीक है, तो नीड क्यों है कि जैसे पानी की बॉटल हम लोग लेते हैं रेलवे स्टेशन पे, रेल नीड लेते हैं या बाकी जगह, क्या लिखा रहता है, पानी पीने के बाद इसको क्या कर दें, क्रश कर दें। क्यों लिखा रहता है, कि उस बॉटल को किसी ने मुंह से लगाया होगा, ठीक है ना, वो इन्फेक्टेड होगा और लोगों ने उसी में रिसाइकलिंग कर दी, इसलिए क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, वापस कम्युनिटी में ना जाए यूज में, इसीलिए क्या हो गया, ड्रग्स एक्सपायर हो गए, डिस्कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, कोई भी चीज हम फेंक दे रहे हैं तो वो सॉयल का पॉल्यूशन कर रहा है, एयर का कर रहा है, वाटर का कर रहा है, पानी में चला गया, वो पॉल्यूशन रोकने के लिए, क्योंकि वो सभी चीज सॉयल से हमें क्या मिलती है, सब्जियां, खाने का सामान मिलता है, ठीक, एयर से एयर मिलती है और वाटर तो हमारे जिंदगी का अहम पार्ट है, तो तीनों चीजों का कंटामिनेशन ना हो, हमको फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और अच्छी सब्जियां मिले, उस लिए हमको इसको करना जरूरी है और इन्फेक्शन रोकने के लिए करना जरूरी है। अस्पताल के बाहर के लोग क्या करते हैं, जब वो सब इकट्ठा करते हैं स्कैवेंजर्स वगैरह, उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये नीड इसलिए है। ये देख लीजिए नीड का डायग्राम है, नीड ऑफ बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल्स, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, देखिए इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, बेचारा खांसी वगैरह लेके आ गया, ठीक है, जो नीचे बटोर रहे हैं उनके पैर पड़ गए, किस पे पड़ गए, सिरिंज पे पड़ गए, ठीक है, ब्रोकन ग्लासेस पे पड़ गए, ठीक है, फिर उसमें से कुछ उठा के भी ले गया, देख वो उठा के ले जा रही घर में यूज कर रही जाके, जो वाटर वाला है वो किस में चला गया, ड्रेनेज के थ्रू चला गया पानी में, ठीक है, तो जो लोग उस पानी को यूज कर रहे हैं वो सब परेशान हो गए। फिर और क्या हो गया, एड्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया। ठीक, हेल्थ केयर वेस्ट इज अ रिस्क टू ऑल, इट अफेक्ट्स अस इन डिफरेंट वेज। ये केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता लगे कि कैसे लोग कंटामिनेट हो सकते हैं चीजों से, इसलिए हमें क्या करना जरूरी है, इनका मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब वेस्ट क्या हो गया, देखिए इम्प्रॉपर डिस्पोजल से क्या हो गया, इम्प्रॉपर डिस्पोजल रैग पिकर्स, फिर वेस्ट कलेक्टेड बाय यूएलबी, ठीक, फिर वेस्ट स्मॉल स्क्रैप डीलर्स, कावड़ी वाला कंज्यूमर से वेस्ट हुआ, नीचे चलते हैं होलसेल डीलर और लार्ज स्क्रैप डीलर, रिसाइक्लेबल फैक्ट्री, कंज्यूमर, फिर वेस्ट, ये नीचे लैंड फिल्स और डंपिंग। हमको क्या करना, कलेक्टेड बाय यूएलबी, इम्प्रॉपर डिस्पोजल, रैग पिकर्स, ये सब इधर करना, बाकी ये रिसाइक्लेबल हो गया उधर। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स कंटेनिंग जर्म्स, एक तो ये हो गया, फिर इंटैक्ट और नॉन इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, फिर बाय इंटेक कंटामिनेटेड अनवॉश्ड हैंड्स, कंटामिनेटेड फूड, स्टफ्स, वाटर एटसेट्रा से ये रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। कैटेगरीज ऑफ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इंफेक्शन, देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक
क्या हो गया, सैनिटेशन वर्कर्स, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेंट प्लस विजिटर्स, कैटेगरीज ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड टू रिस्क ऑफ इंफेक्शन, इतने लोग हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बीएमडब्ल्यू आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज रिलेटेड वेस्ट आइटम, ठीक। वायरसेस में क्या हो गए, कौन कौन से हो गए, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए सी, अर्बोवायरस, इंट्रोवायरस, ठीक। डिजीज कॉज एड्स, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस, टिक बॉर्न फीवर्स एटसेट्रा। रिलेटेड वेस्ट आइटम क्या हो गया, इन्फेक्टेड नीडल्स, बॉडी फ्लूड्स, ह्यूमन स्क्रीटा, सॉयल लिनन, ब्लड बॉडी फ्लूड्स, ठीक। ये तो हो गए रिलेटेड वेस्ट आइटम्स। बैक्टीरिया में सेलमोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलरी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनिस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, मेन बैक्टीरिया हो गए। बीमारियां कौन कौन सी हो गई, टाइफाइड, कॉलरा, टिटनस, वुंड इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया, रूमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, ह्यूमन स्क्रीटा एंड बॉडी फ्लूड इन लैंडफिल्स एंड हॉस्पिटल वार्ड्स, सॉफ्ट सच एज नीडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स इन हॉस्पिटल वेस्ट, ये सब चीजें हैं जिससे कि क्या हुआ, इन्फेक्शन हो सकता है। फिर पैरासाइट्स में कुछ एरिया बैंक्रॉप्टाई, प्लाज्मोडियम, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कुटेनियस लिस्मानियासिस, कालाजार, मलेरिया, ह्यूमन स्क्रीटा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूड्स इन प्योरली मैनेज सीवेज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, प्योरली मैनेज सीवेज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। ये हो गया वेस्ट प्रोडक्ट जिनसे की बीमारी फैल सकती है। बीएमडब्ल्यू में हम क्या कर सकते हैं, बिगिन ए सिस्टम, एक सिस्टम बनाया, इफेक्टिव बनाया और इसके सक्सेसफुल होने के लिए काम किया, ठीक। मैनेजमेंट में क्या हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंप्लीमेंटिंग, ठीक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंप्लीमेंटिंग। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ इंफेक्टिव वेस्ट, टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ इंफेक्टिव वेस्ट, रिसाइकल द वेस्ट आफ्टर ट्रीटिंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल, रिसाइकल द वेस्ट आफ्टर ट्रीटिंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ट्रीट द वेस्ट बाई सेफ एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सेप्टेबल मेथड्स, ट्रीट द वेस्ट बाई सेफ एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सेप्टेबल मेथड्स, adequate care in handling to prevent healthcare associated infections, adequate care in handling to prevent healthcare associated infections, safety precautions during handling the BMW, ye objectives hain hamare BMW management ke, minimize kar diya production generation infective waste ka, recycle kar diya, सेफ्टी और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सेप्टेबल मेथड से ट्रीट कर दिया, एडिक्वेट केयर करवा दी किसमें, हैंडलिंग में, और सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग हैंडलिंग टू बीएमडब्ल्यू। स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट क्या क्या स्टेप्स हैं, सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वेस्ट नॉट बियॉन्ड 48 आवर्स, स्टोरेज ऑफ वेस्ट नॉट बियॉन्ड 48 घंटे से ज्यादा स्टोरेज नहीं करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब इसमें कौन सा काम हम लोगों का है, कौन सा काम दूसरे लोगों का है, वो समझना जरूरी है। सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड कौन करेंगे, जहां जनरेट हो रहा है वो लोग करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट कौन करेंगे, जहां जनरेट हो रहा है वो लोग करेंगे। कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन कौन करेगा, जहां जनरेट हो रहा है वो करेंगे, स्टोरेज वही करेंगे। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट कहां से आया, ट्रांसपोर्शन, ट्रांसपोर्टेशन उनको करना है और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल उनको करना है, ठीक है। ये पार्ट हो गए स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कंटेनर अभी हमने पढ़े थे, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, व्हाइट। वेस्ट डिस्पोजल देखिए, ब्लैक बिन में क्या करते हैं, ब्लैक बिन होती है नॉर्मल जो बिन होती है, ब्लैक बिन, ठीक है, नॉर्मल, उसमें क्या डालते हैं, अभी आपने देखा होगा नगर निगम ने लगाई हुई है हरी और काली,
बड़ी बड़ी सी डस्टबिन खंभों में बंधी हुई है, क्योंकि उसमें भी हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो काली बिन नॉर्मल बिन होती है, नॉर्मल बिन होती है जिसमें कि हम क्या डालेंगे, पेपर्स, किचन वेस्ट फूड, रैपर्स, ये सब चीजें हम डालेंगे ब्लैक। अब आ जाइए वेस्ट डिस्पोजल। येलो बिन में क्या हो गया, स्वाब स्टिक, डिसकंटामिनेटेड ड्रेसिंग, बैंडेजेज, सॉइल लिनन कंटामिनेटेड इन गाउन्स, ड्रेप्स, ठीक, बॉडी पार्ट्स, ये सब इसमें आ गए। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लेसेंटा। फिर रेड में आ गया प्लास्टिक कल्चर प्लेट्स एंड ट्यूब्स, ऑल इंफेक्शन, नॉन सॉफ्ट प्लास्टिक वेस्ट, ठीक, यूरिन बैग, ड्रेन्स, आईवी सेट्स। यूरिन बैग, ड्रेन्स, आईवी सेट्स किसमें आ गए, रेड। सॉप्स, सॉप्स का क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय नीडल, ठीक, डीकंटामिनेट इन ट्विन बकेट हैविंग 1% ब्लीच, सॉप्स इंक्लूडिंग कैथेटर, गाइड वायर्स, कट सिरिंज ट्री, ठीक, ये भी सब किसमें जा रहा है, ये देखिए सब चारों रखे हुए हैं उसके पास, ठीक। ये अलग अलग इंस्पेक्शन एंड रीसेग्रीगेशन, ये यहां से आपके यहां से उठा के ले गए, फिर वो अलग अलग कर रहे हैं कि कोई किसी ने गलत में तो नहीं डाल दिया। लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर बैग्स, बायो हजार्ड का सिंबल है ये, सब जगह लगा दिखा होगा बायो हजार्ड, ठीक है। साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल, साइटोटॉक्सिक कैंसर थेरेपी वाले में यूज होते हैं, रेडियो उसमें, तो रेडियोथेरेपी वाले में भी जो यूज होते हैं वो भी सब इसमें आ जाएंगे, हैंडल विद केयर। लेबल सेल बी नॉन वॉशेबल एंड प्रोमिनेंटली विजिबल, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, नॉन वॉशेबल एंड प्रोमिनेंटली विजिबल, या तो पेंट से लिखा हो या ऐसी चीज से चिपके हो कि पानी का फर्क ना पड़े, प्रोमिनेंटली विजिबल भी होने चाहिए। ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ बीएमडब्ल्यू एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16, बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ इन अकॉर्डिंग विद शेड्यूल 1 एंड इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 2 बाय द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग हमको क्या करने हैं, ये डिस्पोज ऑफ करने हैं, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल करना है। शेड्यूल 1 आप देख ही चुके हैं, फिर से आ गया शेड्यूल 1। फिर आइए ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, कैसे कैसे हो सकता है, इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, माइक्रोवेव इरेडिएशन, लैंड डिस्पोजल और इनर्साइजेशन। इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, माइक्रोवेव इरेडिएशन, लैंड डिस्पोजल, इनर्साइजेशन, ये सब आ गया कैसे करते हैं। अब वन बाय वन चलते हैं, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। इंसिनरेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड कंबस्टिबल वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक इनकंबस्टिबल मैटर। हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड कंबस्टिबल वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक इनकंबस्टिबल मैटर रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वेस्ट वॉल्यूम एंड वेट। किसमें हो सकता है, वेस्ट भी कम, वॉल्यूम और वेट दोनों कम हो जाएगा इसमें। प्रोसेस इज सिलेक्टेड टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंड। तीन चीजों के लिए यूज करते हैं, जो रिसाइकल नहीं हो सकते, रीयूज नहीं हो सकते और जो लैंड में डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकते। टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर्स, तो टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर में आ जाइए, डबल चैम्बर पायरोलिटिक फॉर इंफेक्शियस वेस्ट, डबल चैम्बर पायरोलिटिक फॉर इंफेक्शियस वेस्ट, सिंगल चैम्बर फर्नेसेस विद स्टैटिक ग्रेड, इफ डबल चैम्बर नॉट अफोर्डेबल, सिंगल चैम्बर फर्नेसेस विद स्टैटिक ग्रेड, इफ डबल चैम्बर नॉट अफोर्डेबल। फिर आइए रोटेटरी क्लिप्स फॉर जीनोटॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हीट रेजिस्टेंट केमिकल्स, रोटेटरी क्लिप्स फॉर जीनोटॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हीट रेजिस्टेंट केमिकल्स।
वेस्ट इंसिनरेशन हीट फ्लू गैस एस, ठीक ये है इंसिनरेटर जहां लगा होता है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन लीजिए ना, इस दिक्कत में पड़ जाएंगे। इंसिनरेशन, ये फोटो लगा है कि इंसिनरेटर क्या है, अंदर जो लगा है उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, जो इंसिनरेट होती चीजें धुआं ऊपर निकल जाता है, ये इंसिनरेटर का फोटो है। ये देखिए बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल में डबल चैम्बर इंसिनरेटर, दो चैम्बर बने हुए, डबल चैम्बर इंसिनरेटर है, बहुत अधिक टेम्परेचर रखा जाता है। एस डिस्पोजल, जो राख बन गई उसको क्या करेंगे, उसको हमने क्या कर दिया, डिस्पोज किया, उसको भी हमने एक गड्ढा खोदा और उसमें किया, और लिखा भी है एस डिस्पोजल, ठीक। अब आइए केमिकल डिसइंफेक्शन, कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड इंफेक्शियस वेस्ट, एग्जाम्पल ब्लड यूरिन स्टूल एंड हॉस्पिटल सीवेज केमिकल्स आर एडेड टू वेस्ट टू किल आर इनएक्टिवेट द पैथोजन इट कंटेन्स, ठीक। ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया एंड हॉस्पिटल सीवेज केमिकल्स आर एडेड टू वेस्ट टू किल आर इनएक्टिवेट द पैथोजन इट कंटेन्स, केमिकल मिला दिया, केमिकल क्या करेगा उन पैथोजन्स को मार देगा। क्लास में है। केमिकल डिसइंफेक्शन प्लांट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला, ऊपर वाले ने भर दिया, उसी में वेस्ट करा, नीचे ये हो गया केमिकल डिसइंफेक्शन प्लांट, ठीक। वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, वेट थर्मल ट्रीटमेंट स्टीम डिसइंफेक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपोजर ऑफ श्रेडेड इंफेक्शियस वेस्ट टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम एंड इज सिमिलर टू प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेव। वेट थर्मल ट्रीटमेंट स्टीम डिसइंफेक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपोजर ऑफ श्रेडेड इंफेक्शियस वेस्ट टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम एंड इज सिमिलर टू प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेव। दिस इज इन अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग एनाटॉमिकल वेस्ट केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए करते हैं, केमिकल और फॉर इन अप्रोप्रिएट है, ये तीन वेस्ट नहीं कर सकते हैं इससे। फिर आइए स्क्रू फिट, बेटा आप बाहर चलो, उठो वहां से, हाँ ब्लैक मास्क आप लगाए, उठो उठ जाओ तुरंत, उठो बाहर जाओ इधर, ये आपको मैं चार बार तीन बार टोक चुका हूँ, हाँ जो मास्क नहीं कर रहे, उठिए बाहर जाइए, बाहर जाओ तुरंत। आपको भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैडम जा सकती है। दिस इज इनअप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग एनाटॉमिकल वेस्ट केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी, ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट इन विच वेस्ट इज श्रेडेड एंड हीटेड इन रोटेटिंग ऑजर। ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट इन विच वेस्ट इज श्रेडेड एंड हीटेड इन रोटेटिंग ऑजर, 80% वॉल्यूम एंड 20-35% वेस्ट इज रिड्यूस, वेट इज रिड्यूस, सुटेबल फॉर इंफेक्शियस वेस्ट एंड सॉप्स। किसके लिए सुटेबल है, इंफेक्शियस वेस्ट और सॉप्स के लिए। स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी इन्फेक्शियस वेस्ट एंड सॉप्स के लिए ये सूटेबल है। थर्मल प्रोसेसेस, इन मशीनों में होता है थर्मल प्रोसेसेस। फिर आइए माइक्रोवेव इरेडिएशन, माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2450 माइक्रोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 12-24 सेंटीमीटर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Water contained in the waste is rapidly heated by microwave and infectious components are destroyed by heat conduction. ठीक,
वाटर कंटेंट इन द वेस्ट इज रैपिडली हीटेड बाय माइक्रोवेव एंड इन्फेक्शियस कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रैक्ट बाय हीट कंडेंसेशन। वाटर को उन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, उससे क्या हो गया, इन्फेक्शियस कंपोनेंट डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये माइक्रोवेव इरेडिएशन हो गया। फिर लैंड डिस्पोजल ओपन डैम्स कर दिए हमने, रिस्क ओपन डैम्स क्यों नहीं करते हैं, दिस फॉर पब्लिक हेल्थ, हेल्थ केयर वेस्ट शुड नॉट बी डिपॉजिटेड ऑन आर अराउंड ओपन डैम्स, तो कभी भी खुले में नहीं छोड़ना है। सैनिटरी लैंडफिल्स डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ सॉयल सरफेस ग्राउंड वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पब्लिक। सैनिटरी लैंडफिल्स बना दी गई, डिजिग्नेटेड प्लेस एक बना दिया गया जिसमें कि हमें डिस्पोज ऑफ करना है, और उससे क्या फायदा होगा, कंटामिनेशन ऑफ सॉयल रुकेगा, सरफेस से कंटामिनेशन रुकेगा, ग्राउंड वाटर का रुकेगा, और पब्लिक से डायरेक्ट वेस्ट का कॉन्टेक्ट नहीं होगा। ये है सैनिटरी लैंडफिल्स। लैंड डिस्पोजल फैसिलिटीज फॉर सिटीज एंड टाउन्स विद पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख, 5 लाख से नीचे वाली पॉपुलेशन में हमको ये बनाना। देखिए क्या करा हमने, कंक्रीट का वो बना दिया, उसमें डिस्पोज कर रहे हैं जिससे कि उसमें ना जाए, तो ये हो गया लैंड डिस्पोजल। अब आते हैं इनर्साइजेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेस्ट विद सीमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजल इन ऑर्डर, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेस्ट विद सीमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस माइग्रेटिंग टू सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर एंड टू प्रिवेंट स्कैवेंजिंग। क्या कर देते हैं इसको, हम सीमेंट के साथ मिला दिया वेस्ट को, तो उससे क्या हो गया, ये किस में नहीं गया, सरफेस वाटर में नहीं गया, ग्राउंड वाटर में नहीं गया, और स्कैवेंजिंग भी नहीं होगा, सीमेंट ने उसको अपने में घेर लिया। जैसे नहीं आप आरसीसी का डालते हैं पिलर ढंग का, सीमेंट जब चारों तरफ से जल जाएगी, ना तो उसको कोई खा पाएगा, ना तो उसमें से कुछ निकाल पाएगा, ना तो वो पानी में बह पाएगा, ना सरफेस को कंटामिनेट कर पाएगा। इसमें प्रोपोर्शन ऑफ 65% वेस्ट, 15% लाइन, 15% सीमेंट एंड 5% वाटर इज यूज्ड। इसमें क्या हो गया, उसको बनाने के लिए 65% वेस्ट हो गया, 15% लाइन, लाइन मीन्स चूना, ठीक है, 15% सीमेंट और 5% क्या यूज किया, वाटर। शार्प स्टोरेज एंड डिस्पोजल, शार्प पिट हो गए, ये कुछ कैसे किए जाते हैं। अब आते हैं रूल्स पे चलते हैं, जो कि हमने शुरुआत में आपको कहा था कि सबसे पहले इंडिया में कब चालू हुआ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या चालू हुआ, 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 प्रिस्क्राइब बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 20th जुलाई 1998। तो सबसे पहले कब हिंदुस्तान में इस बात की परिकल्पना की गई कि हमको बायोमेडिकल वेस्ट करना जरूरी है, 1998 में, कितने ईयर्स हो गए, 23 ईयर्स बिफोर, ठीक। This rule applied to those who generate, collect, receive, store, dispose, treat or handle biomedical waste. ठीक, इतने लोगों पे apply करता है, generate करते हैं, collect करते हैं, receive करते हैं, store करते हैं, dispose करते हैं, treat करते हैं या handle करते हैं। Types of waste and treatment and disposal options under rules 1998. Thus, biomedical waste should be segregated into container bags at the point of generation of waste. फिर amendment कब आया? First amendment आया 6/3/2000 में, second amendment आया 17 September 2003 में। Authorization is required for generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal or any other form of handling. ऑथराइजेशन के बिना कोई आदमी नहीं कर सकता है बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है। इतनी चीजें आ गई इसमें अमेंडमेंट रूल्स। फिर न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, न्यू की बात करते हैं हम, जो V16 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैड नोटिफाइड द न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16 ऑन 28 March 2016 under the Environment Protection Act 1986 to replace the earlier rules and the amendments thereof.
amendments और previous rules replace हो गए किससे 16 के rules से published in the Gazette of India extraordinary part 2 section 3 subsection 1 New Delhi 28 March 2016 they shall come into force on the date of their publication in the official gazette तो अगर आपसे कोई डेट पूछे कि कब से हुए तो 28 मार्च 2016 से नए रूल्स लागू हैं एप्लीकेशन किन के दिन पे एप्लीकेशन करेगा पहले भी बता चुके हैं कि अब फिर से बता रहे दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल पर्संस हु जनरेट कलेक्ट रिसीव स्टोर ट्रांसपोर्ट ट्रीट डिस्पोज आर हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स क्लिनिक्स डिस्पेंसरीज वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस एनिमल हाउसेस पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज ब्लड बैंक्स आयुष हॉस्पिटल्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स रिसर्च आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्थ कैंप्स मेडिकल और सर्जिकल कैंप्स वैक्सीनेशन कैंप्स ब्लड डोनेशन कैंप्स फर्स्ट एड रूम्स ऑफ स्कूल फोरेंसिक लेबोरेटरीज एंड रिसर्च लैब्स सब कुछ आ गया स्कूल में भी जहाँ फर्स्ट एड करते हैं जहाँ पट्टी भी करते हैं वो भी इंक्लूड हो गया जहाँ ब्लड डोनेट करते हैं वहाँ भी हो गया रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी हम काम करते हैं कि एनिमल और इसको लेके वहां पे भी लग गया कितना बड़ा अब इंक्लूजन हो गया पहले बहुत सी चीजें इंक्लूड नहीं थी वो सभी इंक्लूड हो गई 16 के बायोमेडिकल वेस्ट रूल में फिर इनका फायदा क्या है कंप्रेहेंसिव नेचर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बीएमडब्ल्यू रूल्स 1998 सेवरल न्यू प्रोविजंस हैव बीन एडेड इन द न्यू रूल्स कंटेन रूल्स 18 शेड्यूल 1 टू 4 फॉर्म 1 टू 5 इसमें क्या क्या है 18 तो नियम है शेड्यूल 1 से 4 है और 1 से 5 फॉर्म है ठीक अब डिफरेंस क्या है डिफरेंस की बात करते हैं जब हम पढ़ते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सी जगह पुराना ही चीजें दिख रही हैं तो डिफरेंस क्या है 1998 और 16 ऑक्यूपायर्स विद मोर देन 1000 बेड्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन 1000 बेड वाले को ऑथराइजेशन चाहिए था उस जमाने में अब इसमें क्या है एवरी ऑक्यूपायर जनरेटिंग बीएमडब्ल्यू इंक्लूडिंग हेल्थ कैंप आर आयुष रिक्वायर्स टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन हमारे यहाँ भी जरूरत है ठीक है पहले 1000 बेड पे ऑपरेटर ड्यूटीज एब्सेंट या ड्यूटीज ऑफ द ऑपरेटर लिस्टेड बायोमेडिकल वेस्ट डिवाइडेड इन 10 कैटेगरीज पहले 10 कैटेगरीज में डिवाइडेड था अब किसमें आ गया 4 कैटेगरीज रूल्स रिस्ट्रिक्टेड टू एससीईज विद मोर देन 1000 बेड्स ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बीएमडब्ल्यू मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स ठीक एससीईज का मतलब हेल्थ केयर नो फॉर्मेट फॉर एनुअल रिपोर्ट ए फॉर्मेट फॉर एनुअल रिपोर्ट अपेंडेड विद द रूल्स उसमें शेड्यूल कितने थे 5 इसमें कितने हैं 4 कंक्लूजन लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन प्लीज मैनेज वेस्ट प्रॉपरली ये आपका हो गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए अभी ये हमने भेज